कभी कभार ऐसा होता जैसे फतेह मक्का के सफर में हुआ कि सहाबा की बड़ी तादाद रोजे से है, प्यारे नबी भी रोजे से हैं, और एक दिन क्या हुआ, मक्के के करीब पहुंचे थे कि रोजा असर के वक्त बहुत शाख गुजर गया, मुसलसल धूप में चलने की वजह से सहाबा का हौसला जवाब दे गया, सहाबा की हिम्मत जवाब दे गई। प्यारे नबी से कहा गया, बताया गया कि ऐ अल्लाह के नबी, आज रोजा बहुत शाख गुजर रहा है, सबको बड़ी तकलीफ हो गई है, हमारा हौसला जवाब दे गया है। प्यारे नबी ने फौरन पानी मंगवाया, सवारी पे बैठे, सारे सहाबा को दिखाकर आपने असर बाद पानी पीकर रोजा तोड़ डाला, रोजा खत्म कर डाला, ताकि जो मुसाफिर सहाबा आपके साथ हैं उनकी तकलीफ खत्म हो सके। बाद में एक बात हमारे यहाँ लोगों में मशहूर है कि रोजा अगर किसी वजह से खत्म करना हो तो 12 बजे से पहले खत्म हो जाना चाहिए, 12 अगर बज गए तो फिर जान भी जाए तो रोजा तोड़ना नहीं चाहिए। ये सब गलत तसव्वुरात हैं जो मशहूर लोगों में ऐसे ही फैल गए हैं। वरना अगर ऐसा कोई नाजुक मसला आता है तो आप इफ्तार करने से आधा घंटा पहला भी रोजा तोड़ सकते हैं, शर्त यह है कि वहां शरई गुंजाइश मौजूद दो रोजा तोड़ने की। उस वक्त आपको मालूम हुआ जब आपने रोजा तोड़ डाला कि कुछ सहाबा वो अपना रोजा जारी रखे हुए हैं, चंद सहाबा थे प्यारे नबी के रोजा तोड़ने के बावजूद वो अपना रोजा जारी रखे हुए हैं। आपने फरमाया उलाइकल उसाह, उलाइकल उसाह, उलाइकल उसाह, ये मेरे नाफरमान हैं, ये मेरे नाफरमान हैं, ये मेरे नाफरमान हैं। क्या कोई गलत काम कर रहे थे? वो तो इबादत कर रहे थे, वो तो रोजा मुकम्मल कर रहे थे, लेकिन प्यारे प्यारे नबी ने उन्हें नाफरमान क्यों करार दिया? नाफरमान इसलिए करार दिया, जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा तोड़ डाले तो किसकी क्या मजाल कि वो अपना रोजा जारी रखे? क्योंकि हम अल्लाह के नबी से ज्यादा अल्लाह से डर नहीं सकते, अल्लाह के नबी से ज्यादा हम अल्लाह का तकवा अपना नहीं सकते। जब आपने रोजा तोड़ा है, अदब और इत्तिबाए सुन्नत का तकाजा था कि भी रोजा तोड़ देते, आपके रोजा तोड़ने के बावजूद जिन लोगों ने रोजा कंटिन्यू किया, आप प्यारे नबी ने उनके रवैये को नाफरमानी से ताबीर किया।